अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका था वो मैं आपको बता चुका था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है जी, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, तो जाएगा। फिर आप 2 पर करेंगे, ये 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम भी हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है जी, आप 6 का करेंगे, हमने ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम विथ ईच टर्म। ठीक है जी, तो ईच टर्म में क्या आ जाएगा जी, 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, माइनस के बाद नई टर्म स्टार्ट हो रही है, ये आ जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा मेरे पास 6। तो कटिंग आती है 3 1 6 और 3 2 6, इधर क्या आ जाएगा 2 1 6 और 2 3 6। इस तरफ यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ डिवाइडर में है ही नहीं, इसलिए ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी माइनस 3 2 6। इस तरीके से ये माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा था क्या आ जाएगा जी माइनस 3x, और माइनस 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 3 2 क्या आ जाएगा जी 6। इसकल क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 6 1 क्या आ जाएगा जी 6। ये मेरे पास बेसिकली एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें से ये 3x है और ये आपके पास 2x है। अब इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है। सबसे पहले हम साइन निकालते हैं, साइन किसका लगेगा बड़ी वाली का, वो गया है माइनस का। तो माइनस 3 में से 2 निकाल देंगे तो मेरे पास क्या रहेगा ओनली एक्स। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, दोनों काट जाएंगे, इक्वल टू किसके आ जाएगा माइनस के। ये और ये माइनस काट जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास 6 आ गया। ओनली यही हमारा क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।